साइलेंट, एक्यूरेट और डेडली। जी हाँ, किसी भी कोबरा कमांडो के लिए ना सिर्फ ये तीन शब्द होते हैं बल्कि उसके लिए ये वो तीन चीजें होती हैं जो उसको सीखनी होती है, और इन्हीं तीन चीजों पर उसको उसकी पूरी ट्रेनिंग निर्भर होती है। जी हाँ, साइलेंट यानी चुप रहते हुए, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक, और डेडली यानी जब वो वार करे तो दुश्मन पूरी तरीके से निस्तेनाबूत हो जाए। जी हाँ, कोबरा कमांडोज की यही तीन जो चीजें होती हैं ये इनको सबसे बढ़िया कहते हैं कि एक डेडली कमांडोज बनाती है। और इन कोबरा कमांडोज के बारे में आज हम आपको बताएंगे इंटरव्यूज पर कि किस तरीके से भारत ना सिर्फ नक्सल जैसे बड़े ऑपरेशंस को, नक्सल के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस में इन कोबरा कमांडोज को तैयार कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कैसे ये कमांडोज जब जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किए जाते हैं तो सबसे बेहतरीन कोबरा कमांडोज में से बनकर निकलते हैं। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाती है फौलाद बनने की ट्रेनिंग। दुश्मनों को थर्रा देने वाली आवाज, बूट की धमक, ऐसी कि जमीन कांप जाए। कोबरा कमांडोज की सुबह की शुरुआत खासतौर पर फिजिकल इंड्योरेंस से की जाती है, जहां पर इनको ना सिर्फ जंगल वॉरफेयर जैसे टैक्टिक्स, इसके अलावा फिजिकल इंड्योरेंस में किस तरीके से ये अपने आप को सक्षम बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन कोबरा कमांडोज के लिए बस एक ही मकसद होता है कि सक्षम, अपने आप को शारीरिक रूप से इतना सक्षम बना लिया जाए ताकि जंगल की बड़ी बड़ी से जो परेशानियां हैं वो इनके सामने घुटने टेकने लगे। ये कमांडो की ट्रेनिंग है उन कोबरा कमांडोज की जो नक्सलियों के लिए काल सरीखे, उन नक्सलियों के लिए जो कभी निहत्ते तो कभी हथियारों से लैस सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों पर घात लगाकर धोखे से वार करते हैं और भारत माता के आंचल को लहूलुहान कर अपनी कायरता दिखाते हैं। लेकिन अब देश के उन दुश्मनों की खैर नहीं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जिस्म को लोहा बनाने की इस ट्रेनिंग को देखकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। देखिए ये कमांडोज कैसे सकरे रास्ते से निकलने के लिए टायरों के बीच से निकल रहे हैं। पथरीली जमीन पर पेट के बल रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आग से पार पा रहे हैं। कीचड़ में कभी लेफ्ट टू राइट तो कभी सिर के बल लेटकर खुद को महफूज रखने की ट्रेनिंग। हथेलियों के सहारे बैठकर पीछे की तरफ भागने के इस करतब को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पीठ के बल पीछे रेंगने के इस अभ्यास को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस कठिन ट्रेनिंग का मकसद है खुद को हर सूरत में बचाना और दुश्मन को हर कीमत पर मार गिराना। कहते हैं कि जंगल में रहना है तो जंगल के कायदे कानून से जीना पड़ेगा। नक्सलियों के खात्मे के लिए कोबरा कमांडोज को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जंगल में ये सभी परिस्थितियों में अपने आप को न सिर्फ तैयार रख सके बल्कि उसमें जिंदा भी रह सके। ये भी अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से कोबरा कमांडोज जो है खासतौर पर इन ऐसे नालों में, ऐसे छोटी छोटी जगहों में, कीचड़ में या फिर ऐसी जगहों में किस तरीके से ऑपरेशन चलाने के लिए सक्षम है। अभी जो एक कोबरा कमांडोज की टीम है ये एक नाले को पार करते हुए आगे जा रही है। मैं आपको बताऊं कि इस नाले में ना सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपका दुश्मन आसपास, क्योंकि अक्सर पानी के आसपास वो अपना छांव में अपना पैट लगाकर बैठा होता है, तो ऐसे में इनको किस तरीके से पानी के अंदर भी ऑपरेशन चलाए जाने होते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट रमेश जी हैं। रमेश जी, अगर ऐसे ऑपरेशन के अंदर खासतौर पर ये ट्रेनिंग जो होती है पानी की, कितनी ज्यादा कारगर होती है? देखिए, जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर नदी है, नाले हैं, जो कि मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा जिनके अंदर पानी भरा रहता है वो हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो उस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए जो हमारी कमांडो ट्रेनिंग है उसके अंदर हम जवानों को स्विमिंग का और उसको कैसे टेक्टिकली पार करना है वो सिखाते हैं। उस चीज हमारे प्रशिक्षण में शामिल है वो चीज। एक तो सबसे बड़ा तो टैक्टिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि जब भी नाला क्रॉस करते हैं दूसरे बैंक के ऊपर हो सकता है कि एनिमी भी पहले से एम्बुश वगैरह लगाए बैठा हो, तो उसको हमको टैक्टिकली कवर करना पड़ता है। सबसे पहले तो एनिमी का थ्रेट है। इसके अलावा जो
जो पानी के अंदर जो ये एम्फीबियस कुछ जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनका भी खतरा रहता है ऑब्वियसली। ये तो थी जिस्म को फौलादी बनाने की ट्रेनिंग। आगे आपको दिखाएंगे देश के दुश्मनों के काल इन कोबरा कमांडोज के वो अस्त्र शस्त्र जो पलक झपकते दुश्मनों को ढेर कर देंगे। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि इन्हें दिमागी तौर पर भी बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। ये जबाज ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं जिनके जरिए देश के अंदर छिपे दुश्मनों का सर्वनाश तय मानिए। एक गोली एक दुश्मन। जी हां, कोबरा कमांडो के अंदर ये खास तौर पर इन कमांडो को सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये अपने एक गोली के अंदर अपने दुश्मन को बर्बाद कर दे। आप अगर यहां पर देखें तो आप देखेंगे ना सिर्फ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 और स्नाइपर राइफल्स, यानी जो तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है किसी भी एम्बुश या फिर किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए, उसकी फायर टेस्टिंग यहां पर चल रही है। और यहां पर एक स्नाइपर राइफल, यानी एक स्नाइपर जब एम्बुश लगाकर या फिर पहाड़ों या फिर जंगल झाड़ियों में छुपता है तो वो दुश्मन को किस तरीके से ऑपरेशन में उसका काम होता है वो भी सिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो क्लोज कॉम्बैट होता है AK-47 से वो भी सिखाया जा रहा है। और तीसरी, अगर आगे की आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है जिससे आप बड़े एरियाज को बर्बाद कर सकते हैं वो भी, यानी तीनों चीजें जो होती हैं किसी भी नक्सल ऑपरेशन के लिए वो यहां पर आप देख रहे होंगे। दिल और दिमाग को चट्टान की तरह मजबूत बनाने के बाद शुरू होता है हथियारों के साथ अभ्यास। हथियार भी ऐसे ऐसे जो पल भर में दुश्मनों के हौसले पस्त कर उन्हें धुआं धुआं कर दे। नक्सल से निपटने के लिए ना सिर्फ नक्सल के लिए कोबरा कमांडोज को सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग या फिर सबसे सख्त ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनको जो हथियार दिए जाते हैं वो ऐसे अत्याधुनिक हथियार है जिनसे वो घने जंगलों में नक्सल्स का मुकाबला किया जा सके। हमारे साथ अमित है। अमित, अगर मैं आपसे पूछूं खासतौर पर जब ऐसे नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए किसी भी कोबरा कमांडो को भेजा जाता है या फिर उसकी ट्रेनिंग होती है तो कौन कौन से हथियार है जिनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे जब भी कमांडो जंगल में जाते हैं तो उनके पास वेरियस कैटेगरीज के वेपन रहते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे ये वो कुछ हथियार हैं जो इंडिविजुअल फायर आर्म्स हैं जो हमारा हर कमांडो लेके चलता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के वेपन होते हैं जिनको हम क्रू वेपन बोला जाते हैं, जैसे LMG जिसको बडीज में हमारे कमांडोज यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिसिजन वेपन्स हैं जैसे स्नाइपर राइफल, अगर दुश्मन हमें दूरी से दिखाई देता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी है ये एरिया वेपन्स की है जिसका इम्पैक्ट एरिया इम्पैक्ट होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर इसका बॉम्ब या मोटार गिरता है तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसका असर होगा। इसमें आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मोटार है, ये मल्टी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ये अभी लेटेस्ट वेपन है जो हमारे पास आया है। इसके अलावा भी हमारे पास ज्यादा फायर पावर के लिए MMG और ग्रेनेड लॉन्चर, इसके अलावा RL है जो कि एरिया इम्पैक्ट रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नक्सल के बारे में तो नक्सल के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं या फिर आप वो कैसी चीजें हैं, टेक्निक हैं जो इस्तेमाल करते हैं? देखिए, नक्सल्स के पास भी बहुत सारे ऐसे हथियार जो हमारे पास हैं, नक्सल भी उन्हीं को यूज करते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ कंट्री मेड प्रकार के हथियार भी होते हैं। घने जंगल नक्सलियों के लिए एक दोस्त की तरह या फिर एक पनागाह की तरह होते हैं। करीबन 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों ने अपना वर्चस्व बचा रखा है और उसका कारण यह है कि ये घने जंगलों में अक्सर छुप जाते हैं, लेकिन कोबरा कमांडोज को खासतौर पर सरप्राइज और साइलेंट अटैक के लिए सिखाया जाता है ताकि पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो जंगल में कहां बैठे हैं और वो नक्सलियों पर अटैक कर देते हैं। आप देखिए, आपको नजर आएगा कि जहां जहां आप देखेंगे आपको ये कोबरा कमांडो जो है आपको चुपचाप एम्बुश करते हुए नजर आ जाएंगे, यानी इनका जो मकसद होता है वो ये कि नक्सलियों को नक्सलियों की ही तरीके से मार गिराया जाए। दिन के उजाले में कोबरा कमांडोज की हैरान कर देने वाली ट्रेनिंग का एक एक पल आपने देखा, लेकिन रात के अंधेरे में ये कमांडो कैसे खुद को महफूज रखने के साथ मौका देखते ही दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं वो अगली रिपोर्ट में देखिए। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज।